हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डोमेन देखा था और डोमेन के बाद हमने डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन देखा था। डोमेन के बारे में आपने समझा, डोमेन क्या होता है? इनपुट वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो, फाइनाइट हो, उसे हम फंक्शन का डोमेन कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। आज ये क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन देखने के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि डोमेन होता क्या है। और तो वो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, आप समझ चुके हैं कि साहब डोमेन क्या होता है। आपने देखा फंक्शन 1/x, तो आपने कहा x सब कुछ हो, जीरो ना हो, तो आपने कहा साहब ठीक है डोमेन समझ गए। अब अगली बात क्या समझ में आनी है? अगली बात समझ में आनी है कि लॉग क्या होता है, व्हाट इज लॉग। अगर आप इंग्लिश में समझे तो लकड़ी के गोल गोल टुकड़े को लॉग कहते हैं, लेकिन मैथ्स में ये लॉग नहीं होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? हिंदी में से कहते हैं लघु गणक। अगर मैं सिर्फ तो डेफिनेशन ऑफ लॉग समझना है, डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या है? द लॉग ऑफ ए गिवन नंबर। लॉग को हम हिंदी में कहते हैं लघु गणक। द लॉग ऑफ ए गिवन नंबर टू अ गिवन बेस इज द इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू इक्वल द गिवन नंबर। आप इसको ऐसे समझिए कि सोचिए आपके पास कोई नंबर है a टू दी पावर x इज इक्वल टू n। यहां पर a जीरो नहीं हो और a वन नहीं हो, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप कहते हैं कि व्हाट इज log, आप लिखते हैं log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यानी कहने का मतलब है a पे वो क्या पावर देंगे कि ये वैल्यू n के बराबर हो जाए, वही पावर जो है, वही इंडेक्स जो है, उसे हम log कहते हैं, वही आपका log का आउटपुट है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे आप समझिए कि 10^3, 10³ कितना होता है? आप कहेंगे साहब 1000 होता है। तो आप लिखेंगे log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। यानी 10 पे कितना पावर दे दें कि 1000 आ जाए, वही log का आउटपुट है। और अगर एग्जाम्पल देखिएगा 2^5, आप कहिए कितना होता है? बोलते 32 होता है साहब। तो आप लिखिएगा log 32 टू द बेस 2 is equal to 5, ठीक है? log 32 to the base 2 is equal to 5। और एग्जाम्पल देखिएगा 1/2 to the power 2 is equal to 1/4। तो अगर आप लिखेंगे log 1/4 to the base 1/2, तो उसका आउटपुट क्या होगा? 2। तो क्या समझा आपने? आपने समझा किसी भी नंबर पे जो पावर देते हैं, बेस पे जो पावर देने पे ये नंबर आता है, तो ये जो पावर है यही log का आउटपुट है। तो जब आप पीछे वाले स्लाइड से देखिए कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, यहां पर a टू द पावर x क्या है? n है। आपने देखा कि 1000 जो है 10^3 होता है, तो log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो किसी भी नंबर पे क्या इंडेक्स देंगे, किसी भी नंबर पे क्या इंडेक्स देंगे, बेस पे ये नंबर आ जाए, वही पावर जो है वही log का आउटपुट है। तो एक मन में सवाल आया, क्या लॉग सभी नंबर के लिए डिफाइंड है? आप सब नंबर का लॉग निकाल सकते हैं? आप देखिए इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों? जब हम डोमेन निकालेंगे या लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो यही स्लाइड जो है वो बार बार इस्तेमाल होगा। इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन नंबर का लॉग निकाला जा सकता है। तो पहला है कि जिस नंबर का लॉग निकालना है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी आप स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी का ही लॉग निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं कि लॉग -5 टू द बेस 2 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, यानी कभी भी लॉग में नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं देखेंगे। दूसरा है, अब बाकी जो दो नियम है वो किस पे लगेंगे? वो बेस पे लगेंगे। बेस आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने लिखा लॉग 10 टू द बेस -3, तो ये डिफाइंड नहीं है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो log 15 टू द बेस 1 ये भी डिफाइंड नहीं। तो आपने क्या तीन बातें समझी? आपने तीन बातें समझी। पहली बात समझी आपने वो ये कि जिस नंबर का log निकालना है वो नंबर पॉजिटिव हो। दूसरी बात आपने समझी कि जो आपका बेस है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी बात आपने समझी कि वो बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग log को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ log देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये है कि log mn टू द बेस a, ठीक है, वो होता है log m प्लस log n। यानी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो log लगाकर उसके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा log 3 इंटू 5 टू द बेस 2, ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2, समझे?
तो log mn क्या हो जाएगा, log m plus log n। ठीक उसी तरह से log m by n क्या हो जाएगा, log m minus log n। तो log 3 divided by 5 ये क्या हो जाएगा, log 3 minus log 5। तीसरी प्रॉपर्टी है log m to the power n, ये हो जाएगा n log m। एग्जाम्पल देखिए log 2 to the power 4, ये हो जाएगा 4 log 2। तो आप लोग तीन प्रॉपर्टीज क्या समझी, log m n, log m plus log n, log m by n, log m minus log n, और log m to the power n, n log m। ठीक है, आज से मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो ये पहला सवाल आपको करना है, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। फिर एक सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप करेंगे। एक सवाल ये है, 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80 is equal to log 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पीछे वाली प्रॉपर्टीज जो है उनको देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, जो तीसरी प्रॉपर्टी है log m to the power n, ये देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है log m to the power n, इसको हमने क्या लिखा, n log m। तो यही पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि 7 log 16 by 15 को कर दिया हमने log 16 by 15 to the power 7। इसी तरह से ये जो 5 log था ये 5 ऊपर पावर में आ गया। और आपने हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, log mn मतलब log m plus log n। तो log m plus log n क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है, अब सिर्फ कैलकुलेशन से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 को लिख दिया 2 टू द पावर 4, 15 को लिखा 3 इंटू 5, 25 को लिखा 5 स्क्वायर, 24 को लिखा 6 इंटू 3 यानी 2 क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3 सॉरी, 81 को लिखा 3 का पावर 4, 80 को लिखा 16 इंटू 5। इस तरह से इन नंबर्स को लिखा, और आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी करिएगा स्लाइड को रोककर, जब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो फाइनली ये आता है कि 2 पे पावर 1 आ गया, 3 पे पावर 0 आ गया, 5 पे पावर 0 आ गया। अब 3 का पावर 0 1 होता है, 5 का पावर 0 भी 1 होता है, तो log 2 आंसर है। तो इस सवाल का आंसर log 2 है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जब आप लोग वीडियोस देखिएगा तो इसको रोक लीजिएगा, आराम से एक बार समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। एक होमवर्क है आज के लिए कि डू योरसेल्फ, जो हमने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल है आपको करना है कि 1 बाई 2 लॉग 9 प्लस 2 लॉग 6 प्लस 1 बाई 4 लॉग 81 माइनस लॉग 12 इज इक्वल टू 3 लॉग 3, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आज से नया है कि हर क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन डू योरसेल्फ में दूंगा। तो इस स्लाइड पे, यहां पर स्लाइड अच्छे से रोक कर पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व करके आगे पढ़िए। अगर आपको इसका जवाब ना आए, सॉल्यूशन ना मिले, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कहते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है लॉग बी टू द बेस ए, तो इसको आप ले सकते हैं लॉग बी टू द बेस सी बाय लॉग ए टू द बेस सी। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सी जो है वो 0 और 1 ना हो। ये क्या मतलब है, अगर आपको लॉग बी टू द बेस ए निकालना है तो आप पूरे सिस्टम को उठाकर एक नए बेस में ले जाएंगे। इसका देखिए फायदा समझिए, आप लोगों ने लॉग टेबल्स देखे होंगे, तो लॉग टेबल जो है वो दो तरह के बेस में आता है, एक स्टैंडर्ड बेस जो कि बेस 10 होता है, और एक होता है नेचुरल बेस जो कि बेस ई होता है। सोचिए आपको बेस 3 का निकालना है, मुझे 4 का निकालना है, राम को 5 का निकालना है बेस का, लक्ष्मण को 7 का निकालना है, आमिर को 8 का निकालना है, तो आपको कितने सारे लॉग टेबल बनाने होते हैं। उस सारे काम को ये अकेला बेस चेंजिंग थ्योरम सॉल्व करता है। वो कैसे सॉल्व करता है, वो कहता है कि आपको जो भी अच्छा लगे बेस वो पसंद कर लीजिए, उस बेस में दोनों नंबर को ले लीजिए, लॉग बी टू द बेस ए है तो बी को टू द बेस सी कर लीजिए और ए को भी टू द बेस सी कर लीजिए। खाली बस जो ध्यान रखिएगा कि लॉग को क्या पसंद नहीं है, लॉग को 3 बातें पसंद नहीं है, लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपको करना है लॉग 8 टू द बेस रूट 2। अब रूट 2 पे कितना पावर दें कि 8 आ जाए, ये मान लीजिए आपको नहीं आता है, लेकिन एक बात आपको आता है कि 2 पे 3 पावर देंगे तो 8 आएगा, ठीक है, और 2 पे 1 बाई 2 पावर देंगे तो रूट 2 आएगा। तो हमने पूरे सिस्टम को बदलकर टू द बेस 2 कर दिया। जब टू द बेस 2 कर दिया तो आपने इसको लिखा लॉग 8 टू द बेस 2 अपॉन लॉग रूट 2 टू द बेस 2। तो लॉग 8 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, 3
और नीचे हो जाएगा 1/2, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 6। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, log 81 टू द बेस 27। अब 27 पे कितना पावर देंगे, ये 81 आना, ये आप आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कोई ऐसे स्टेशन पे पहुंचिए जहां से 81 पे भी पहुंच जाए और 27 पे पहुंच जाए। आपने कहा साहब वैसा स्टेशन जो है वो 3 है ना, तो हम 3 पे पहुंचते हैं कि log 81 टू द बेस 3 बाई log 27 टू द बेस 3। अब 3 पे कितना पावर देंगे कि 4 आ जाए, 81 आ जाए, आप कहेंगे 4, और 3 पर कितना पावर देंगे कि 27 आ जाए, आप कहेंगे 3। तो देखिए सॉल्यूशन 4/3 है। ये एक सॉल्व करने के लिए है, डू योरसेल्फ। इस सवाल को भी पॉज करके देख लीजिएगा, नोट करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये आज का लॉ का क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए, मैथ्स में भी जरूरत पड़ती है इसकी, बहुत बार फिजिक्स में भी पड़ती है, केमिस्ट्री में भी पड़ती है, इसलिए लॉ को बहुत अच्छे से देखिए। अब अगले क्लास में हम लोग लॉ की इनइक्वालिटी देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने समझा कि बेसिक लॉ क्या होता है, अगले क्लास में लॉ की इनइक्वालिटी और उसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।